जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फूला, कोई किसी की मुख फूला हुआ है। निवेदन है, कल मकर संक्रांति के अवसर पर एक लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना, और किसका नाम लेकर, जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते हैं, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहा है, टूटे नहीं, स्नेह बढ़े। ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। कहते हैं मकर संक्रांति है, जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए, और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, मारा संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर, महाराज उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो उसके लिए, कल शाम के समय पर प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए महाराज।